हेलो गाइस, मेरे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी घर से बाहर निकल रही हूँ और मैं शुरू कर रही हूँ आज का व्लॉग। तो अब मुझे जाके ट्रेन पकड़ना है और मेरा ट्रेन अभी और 10 मिनट्स में रहेगा, तो हमें पहले ही निकलना होता है यहाँ पे। तो फिर मैं जल्दी निकल रही हूँ और मेरी दोस्त वेट करी होगी यहाँ के सेंट्रल स्टेशन पे। तो चलिए, मज़ा आएगा। तो आज का प्लान है कि हम यू नो कुछ एक्साइटिंग करने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊंगी पक्का व्लॉग में, तो अभी लेट हो रहा है। मैं स्टेशन की तरफ अभी चल के जा रही हूँ। अगर आपको दिख रहा हो कि नहीं, तो ये स्टेशन है यहाँ पे पूरा। यस गाइज, द एक्साइटिंग पार्ट इज हियर। फाइनली मैं अभी डेस्टिनेशन पहुँच चुकी हूँ। जैसे आप दिख रहे हैं, मैं पेप मॉल पहुँच चुकी हूँ। पेप मॉल म्यूनिक में बहुत ही बड़ा मॉल है और ये मुझे जगह बहुत पसंद है। तो चलिए, देर किस बात की, जाके देखते हैं कि इस पेप मॉल में आज क्या देखने मिलेगा और कितना मजा आएगा। मैंने सुना है कि यहाँ पे शॉपिंग के दुकानें बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत बड़ा रेंज होता है। यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन से लेके जर्मन कुजीन हर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। जैसे इंडिया के मॉलों में फूड कोर्ट होता है, यहाँ पर भी है। पर आज हम कुछ एक्साइटिंग करने वाले हैं और आज हम करने वाले हैं शॉपिंग। तो मैं आई हूँ अभी प्रभाग में और मैं आपको दिखाऊंगी कि अंदर कितने अच्छे कपड़े मिलते हैं और कितना ज़्यादा अफोर्डेबल होता है। आज का शॉपिंग नहीं, शॉकिंग होने वाला है। आप व्लॉग लास्ट तक देखते रहिएगा और देखिए जो कलेक्शंस जिस प्राइस में रखा है, आप देख के शॉक हो जाएंगे। दिस स्मॉल पर्सेस फॉर 39 यूरोस। So this is just for 10 euro. So this skirt is just for 1 euro. So this is just for 1 euro. And the shopping is finally over, guys. Come, let's bill it, and I will also show you कि ये मुझ पे कैसे दिखते हैं. So keep watching till the end. Thank you for watching. If you like my video, please don't forget to subscribe my channel.